वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दिस इज मी दुआ कलंदी एंड यू ऑल वाचिंग दी कलंदरीज। क्या हालचाल है आप सभी लोगों की? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जितने दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था और आजकल हम बहुत ही कुछ कम क्लिप्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसकी वजूहत हैं कुछ ये कि हमारे घर में ना बीमारी सेशन चल रहा है। हर एक एक बंदा जो है ना वो बीमार हो रहा है, एक सही हो रहा है तो दूसरा बीमार हो रहा है, ऐसा ही चल रहा है फिलहाल घर के अंदर। तो इस वजह से ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, बट हमने कुछ रेसिपीज आपके साथ शेयर की हैं, वो आपने देखनी है, आएंगी मजीद और वो भी देखनी है, ठीक है। सो यहाँ पे सहरी का टाइम हो रहा है और इधर बन रहा है अंडा जो कि हरी मिर्च और हरा धनिया वगैरह डल के बना है, और सालन बना हुआ था तो सालन रोटी और अंडा साथ में है, चाय है। इस तरह से हमारी मज़ेदार सी सहरी हो गई थी। लेकिन इफ्तार में हमारे साथ बहुत ही कोई भयंकर सीन हुआ था, वो ये था कि रेसिपी देख के कोई से कुछ बनाने की कोशिश की थी, एक्चुअली में वो थे पोटैटो बॉल्स, लेकिन वो पोटैटो बॉल्स जो है ना वो बेचारे तेल में जाने के बाद पोटैटो खिचड़ी बन गए। ये इसको नाम जो है ना पापा ने दिया था क्योंकि इसका इतना ख़तरनाक चूड़ा खिचड़ी जैसा हो गया था कि बस क्या बताऊँ। तो इफ्तार में था कि पोटैटो बॉल्स थे और दही बड़े, मम्मा ने छोले बना लिए थे, छोले की चाट बहुत यम्मी बन गई थी और टैंक पे हमने गुजारा किया था अल्लाह का नाम लेके, और मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा था। और जो हमारे दही बड़े थे, दही बड़ों के साथ भी ये सीन हुआ कि दही फट गई थी, और ये पहले पता नहीं चला, बाद में पता चला कि दही फट गई है और सारे दही बड़े ज़ाया हुए थे। तो मतलब पता नहीं क्या हुआ था, एक हर चीज़ ख़राब हो गई थी बराए, लेकिन पोटैटो बॉल्स जायके में बहुत ही ज़्यादा लजीज थे बस, लेकिन हम लोगों ने जो है ना खा लिए थे सब ने, बस वो फ्राई होते वक्त उसमें कुछ मसला हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक किसी को भूखा नहीं रहने देता, तो जो हम दस्तरखान पर बैठे हुए थे हमारे घर की बैल बजी और हमारी जो नेबर हैं उन्होंने कचौरी पकौड़े छोले की चाट मतलब उन्होंने अच्छी खासी डिश सजा के भेजी थी और फिर हम लोगों ने जो है ना ये खा लिया था। वैसे यार हम लोगों ने ना पोटैटो खिचड़ी भी खा ली थी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करके, क्योंकि उसका जायका बहुत अच्छा था। लेकिन ये देख के ना बड़ा दिल खुश हुआ कि अल्लाह पाक की क्या ही शान है कि वो कहीं ना कहीं से वसीले बना ही देता है। आपको लग रहा होता है कि यार अब क्या होगा, लेकिन वो आपके लिए रास्ता ज़रूर निकाल देता है। हर छोटी छोटी चीज़ में जो है ना हमें अल्लाह ताला की रहमतें ढूंढनी चाहिए, ना शुक्री ना करनी चाहिए। तो इफ्तारी तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी, उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद साहब और अक्सर कुछ कर रहे हैं, वो आप मोहम्मद साहब के ही मुंह से सुनिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। एक बिल्ली पड़ी हुई थी जिसको बिल्लियाँ मार रही थी बड़ी बड़ी, वो इतनी सी थी, हमने उसको दूध पिला के बड़ा कर दिया। उसके लिए मैंने इसके लिए घर बनाने का सोचा और मम्मा ने हाँ भी बोल दिया। जी तो बिल्ली का घर यहाँ पे तैयार है, अब ये लोग नीचे जाएंगे। और ये चीज़ है कि हमारे बच्चों में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि जानवरों के साथ भी रहम करना चाहिए, उनका भी ख्याल रखना चाहिए, और अगर कोई करे उनके साथ शरारत तो उससे भी मना करना चाहिए। ठीक है जी, आज मम्मा ने कहा कि मतलब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मतलब तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है, तो तुम खाना मतलब सहरी बना लो। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा, जो आपका हुक्म सर आँखों पर। बदतमीज क्यों हंस रही हो? तो आपको पता है पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरे साथ कितना जुल्म हुआ था, कितनी नाइंसाफी थी, आज भी मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। ये देखिए मैंने टमाटर काट के रखा है, मेरी कोई वीडियो बनाने नहीं आया, सारा काम मैंने कर लिया और आप ड्रामे बाद उठ के आइए। ठीक है तो मेरी कटिंग पे मत जाए, कटिंग बड़ी रफ है लेकिन खैर हो गई, नहीं है ठीक है। इनको भूनने के लिए मैंने छोटा छोटा बनाया, मैं क्या बना रही हूं? सकते हैं मैं खा रही हूं, मैं काट, हाँ खा ले गंदी कच्चे टमाटर खा। तो मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, ठीक है ये टमाटर मैंने बचा दिए हैं, इतने वैसे मुझे लग रहे हैं हो जाएंगे पूरे इसके। अस्सलाम वालेकुम, अब लेट्स सी। वालेकुम अस्सलाम, कितने सलाम करने, चाले सलाम इसी भी रुतबे देने। इस टमाटर से वरदाना नया टमाटर उगाएगी। हाँ तो ये अब मैं आपको दूसरी चीज दिखाती हूँ, फिर बात करूँगी। सो गाइस बकोल वर्दा के ये एजाज फैन है, ओके छोड़ अल्लाह रिस्क का रजिया बनाने वाला है। तुमने धोया नहीं है ना, कितने दिन हो गए, इसको धोना पड़ेगा। मतलब ये ऊपर हम इसलिए नहीं बोलते मासी को धोए कि वो नॉलेज से खराब नहीं हो जाए ना, तो ये मैं भी नहीं धोती मम्मा, तो मुझे खुद धोना डालना। अच्छा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। मैं ये कह रही थी तो कोई वीडियो बनाने नहीं है, अब ये बनाने आए, ये अगेन जुल्म है मेरे साथ, जो ज्यादती और पार्शलिटी हो रही है ना। मेरे माने तेल गरम हो गया, फ्लेम को स्लो करके इसको डालेंगे तो आराम से भाई आराम से। देखो मैं कच्चा ले दूँ, ठीक है जी। तो अब इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक, ऐसे भी दुआ के हाथ के कुछ खास अहम डिशेस खा खा के मेरा पेट तो ऐसे ही हो गया। ठीक है जी, अब वो मैं वहाँ बता नहीं सकती, अच्छे से इसको भूने ताकि कोई बदहजमी आपको ना हो। और ये डिश मैं बताती चलूँ, मैं बचपन में खाती थी कभी, अभी भी खैर मैं छोटी हूँ। पता नहीं मेरे घर वाले मेरी बातों पे हंसते हैं, दुनिया को ट्रोल करने का मौका ही नहीं मिलता। ठीक है साथ साथ में थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर देंगे, ये मैंने सीखी थी अपनी ट्यूशन वाली बाजी की अम्मी से। वैसे आजकल वो
रेसिपियाँ सीक्रेट रखती हैं, बताती नहीं, पर ये मैंने बचपन में सीख ली थी, ठीक है, तो ये मुझे अच्छी लगती है। भाई कुछ खास मसाले नहीं डालेंगे इसमें, सारे घर वाले ही मसाले डालेंगे। नमक ऐड कर दिया, ठीक है जी। अच्छा ये जो फ्राई पैन आप इसमें देख रहे हैं वो मेरी खाला ने दी थी जब वो उमरे पे से आई थी, और उनको उमरे पे हज पे से आई थी और उनको हज पे से आए हुए भी माशाल्लाह अब साल हो जाएगा, लेकिन हमारे अजीम लोग हैं ना उन्होंने वीडियो अपलोड नहीं करी। खैर वो आपको मिल जाएगी, मेरी जुल्म वाली बात तो वही रह गई। फिलहाल ये सारे मसाले डालेंगे और मुझे कुछ भी मिर्च दो, ऐसे मसाले डालती हूँ, सारी चीज़ें हमसे मांग लेती है। नमक मिर्चों पर हाथ हल्का रखिएगा क्योंकि आप शहरी के लिए बना रहे हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको जो है ना ये टमाटरों को भुनने तक के लिए रख देंगे। हाँ धीरा पाउडर लिया और रह गया होगा आपका, धनिया नहीं, धनिया नहीं डलता मेरी डिश में, ठीक है। अब इसको ढक के भुनने के लिए रख दें टमाटर्स को, टमाटर्स को जी, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टोमेटोस, टोमेटोस। और थोड़ा पिसा हुआ धनिया भी डाल दें। घर के मसालों से बनेगी वीआईपी सी डिश, जब अलग अलग अंडे बनाने की हिम्मत नहीं है ना सबकी, सबको ऐसे मिला के खिला दिया, और वो समझेंगे बेचारे आपने बहुत मेहनत करी है लोगों के लिए अच्छी शहरी डिश बनाने के लिए। अब ये क्या है, जीरा, ये ले आए जीरा पाउडर जरूर डाल दिया करें वरना डिश मुकम्मल नहीं होती है। एक हरी धनिया और एक जीरा, हाँ ये दोनों फर्ज ला दिए, पता नहीं कौन सी किताब में लिखा हुआ है कुकिंग की। अब इसको ढक दें बस प्लीज़, ठीक है जी। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया, अब हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं जितनी आपको चाहिए, ठीक है। मैं 3 से 4 तक अंडे ऐड करूंगी। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि भाई आज लंबे मौली साहब जो है उनका उर्स था, तो पापा वहीं गए थे तो वहाँ से सैरी करके आए, तो इसलिए मम्मा को हिम्मत नहीं थी। और इसीलिए कहते हैं ना कि औरत की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, अहमियत, हमें उसका अपना शोर होता है। तो हमारे पापा सैरी करके आ गए तो मम्मा ने हमें भी मुँह नहीं लगाया, तो मैं खुद ही सैरी बना रही हूँ, ठीक है। ये पार्शियलिटी पापा के चक्कर में हमारे साथ भी होती है, सिर्फ वर्दा के साथ नहीं होती, सबके साथ होती है। बेटा मेरे साथ और भी जुल्म होते हैं, ये वीडियो के चक्कर में आ गए ना, कोई आई नहीं, मैंने पूरी स्पीच सोच के रखी थी आप लोगों को सुनाने के लिए अपने जुल्म की, और मैं आपको ये साफ भी करके दिखाऊंगी। वैसे भी जिसका काम उसी को सांझे, बस नए लोगों को क्या पता, वो तो एक फुसड़े होते हैं, उनकी रेसिपी कभी जिंदगी ने मौका दिया तो आपके साथ शेयर करूंगी। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब अंडों को अच्छे से कटाकट करने की बारी आ गई है, और बिल्कुल ऐसे ही कटना है कटाकट जैसे हमारा जो है ना लोगों को कटाकट करने का दिल करता है, जिन पे हमें तप चढ़ी हुई होती है, ठीक है जी। आँच जो है वो थोड़ी सी आपने मीडियम टू वही रखनी है लो, ठीक है जी। तो अच्छे से लग रही है ना अंडे की भुजिया, वीआईपी सर का टेस्ट बहुत अच्छा होगा, बनाइएगा ज़रूर। अगर इसमें ऑयल कम लगे ना एट दिस पोजिशन तो आप ऐड भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा इसको ढक के पकने के लिए भी रख सकते हैं कि अंडे जो है वो अच्छे से पक जाए, फिर ये खुद ही ऑयल छोड़ देंगे। अगर आपको ऑयल ज़्यादा लगे, एक्सेस ऑयल हो, तो उसे आप रिमूव कर दें, नो प्रॉब्लम। चलिए अब आपको उसको डिश आउट करके दिखाऊंगी, जब तक वेट कीजिए जी। तो ये हमारा अंडा टमाटर रेडी है, जो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली वर्दा के हाथ का ही। तो ये थी सैरी विद वर्दा गलंदी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करें तो साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। तो जी करते हैं व्लॉग को एंड, अपना बहुत रखा लगेगा, दुआ में रखेगा हमें याद, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।